गाइस काफी पेंटरों की शिकायत थी यार कि प्यू पायलट करते हुए या प्यू करते हुए काफी ज्यादा हमें प्रॉब्लम होती है और उसका कोई हल बताओ, और जो फिनिशिंग है वो प्रॉपर नहीं आती है और उसमें कुछ दिक्कत आती है, दाना दाना सा आता है। देखो रब तो धूल मिट्टी की आती है, ये सबको पता है कि यार हर एक पेंटर भाई को पता है कि रब धूल मिट्टी की आती आती है, लेकिन उस रब से भी एक दूसरा होता है कि जो दाना बनता है, मतलब पेंट के अंदर दाना होता है, हल्का हल्का दाना नजर आता है शहर से, देखो तो भी आता है वैसे भी, क्योंकि हमें फिनिशिंग चाहिए होती है बराबर, और उसमें जैसे कंप्रेसर में हमारे पानी बन जाता है तो उसकी वजह से भी काफी ज्यादा दिक्कत होती है। तो आज हम ऐसा फार्मूला लेके आए हैं जिससे कि आप इसको ऑनलाइन आपने मंगाना होगा, मैं डिस्क्रिप्शन में इसी वीडियो जो वीडियो आप देख रहे हो मेरी इसमें डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा, अमेजोन से मिलेगा ये। जब मैं ये वीडियो डालूंगा तो उसमें इसके अंदर पहले लिंक दे दूंगा, सबसे ऊपर इसका लिंक होगा तो वहां से आप ऑर्डर करा सकते हो। बहुत ही अच्छी चीज है ये और बहुत शानदार चीज है, तो आपको मैं दिखा देता हूँ। ये एक एयर फिल्टर है, ये देखिए ये एयर फिल्टर है, ये वाला एयर जो का हवा होती है, हवा में ना माउचर होता है बहुत ज्यादा माउचर, तो उस माउचर को बहुत ज्यादा कम करता है ये फिल्टर। तो जैसे कि उसके अंदर माउचर होता है ना, तो ये यहाँ पे पानी जो आता है ना, तो पानी यहाँ पे फिल्टर होके आता है तो गन के द्वारा नहीं निकलता। तो अभी आपने देखा होगा इसके अंदर काफी सारी बूंदे जम रही है, ये देखिए काफी सारी बूंदे जम रही है, ये देखिए। तो ये गन के अंदर जो यहाँ पे यहाँ से निकलना चाहिए पानी जो निकलता है और जो जिसकी वजह से रफ बनता है, तो वो रफ नहीं बनने देता और फिनिशिंग जो देता है वो स्मूथ फिनिशिंग देता है। तो इस करके ये फिल्टर हम यूज करते हैं। तो ये न्यू मार्केट में है बिल्कुल, और मैंने ये इसको यूज कराया, बहुत अच्छा इसका रिजल्ट मिला है। तो इस तरह से आप लगा सकते हो, ये नीचे से जैसे जो पाइप है तो वो इस जगह टाइट होगा, और उसके बाद जो गन है, गन की जो पाइप की नली है, तो वो यहाँ पे इसके साथ फिट हो जाती है। तो पानी की जो बूंद है वो इसके अंदर ही रह जाती है और यहां से निकल के नहीं आती है। और क्या होता है कि पल्ला पूरा फाइनल होने के बाद में लास्ट में जो हम प्रेशर मारते हैं तो कोई ना कोई बूंद पानी की गिर जाती है निकल के, तो पूरा पल्ला खराब हो जाता है, पूरा दरवाजा खराब हो जाता है, चौखाट खराब हो जाती है। तो ये आपका तो दाना नहीं बनने देगा, पेंट की जो फिनिशिंग है बहुत अच्छी करेगा और काम भी बहुत अच्छी तरह से आपको फिनिशिंग देगा काम की। तो अभी मैं आपको ये पल्ला मार के दिखाऊंगा कि इस पल्ले में किस तरह से फिनिशिंग आ जाए। पहला कोट प्राइमर का लगा रखा है हमने, अभी पहला कोट इसका लगाना है। तो हमारे पास ब्लू कलर है प्यू पायलट का, तो वही चीज मैं अभी इसमें मारने जा रहा हूँ और दिखाता हूँ इसकी फिनिशिंग कैसी है, और जबरदस्त क्वालिटी मिलेगी आपको। गाइस अभी मैं आपको कुछ क्लोज करके दिखाता हूँ, और क्वालिटी की अगर बात करें, फिनिशिंग की बात करें, तो बहुत शानदार फिनिशिंग आ रही है। जैसे कि हम रूलर से पेंट दीवार पे करते हैं और दाना बनता है ना, तो वैसे इसका भी दाना बनता है, तो वो दाना बिल्कुल नहीं बनता। तो ये रिजल्ट मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए पास में आके, कोई दाना नहीं है, कुछ भी नहीं है, बहुत स्मूथिंग फिनिशिंग है इसकी, ये देखिए बहुत शानदार फिनिशिंग है, कहीं पे कोई दाना नहीं मिलेगा। पास में जाके आपको दिखा देते हैं, क्लोजिंग करके दिखा देते हैं आपको, और चमक भी प्रॉपर आ रही है, ये देखिए। तो सबसे मेन वही होता है कि जो क्वालिटी बढ़िया होनी चाहिए, दाना नहीं होने चाहिए, तो वो सब इसके अंदर है। तो इतने सारे हमने पल्ले मारे हैं इसके अंदर, ये देखिए, तो कोई दिक्कत नहीं हो रही। तो गाइस ये कोई प्रमोशन नहीं है, कुछ भी नहीं है, ये मैंने अपनी तरफ से इसको मैं खरीद के लेके आया था, और इसका कोई प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ। आप सोच रहे हैं गफान ने इसका प्रमोशन किया है, ऐसा कुछ नहीं है, चीज बढ़िया लगी यूट्यूब पे डाल दी, तो आप इसको आप ऑर्डर करा सकते हो, लेकिन थोड़ा महंगा है, 1400 रुपए तक की रेंज का है, और हो सकता है कि आप अगर ऑर्डर कराओ तो 150 गिर भी सकते हैं, 150 रुपए रेट बढ़ भी सकते हैं इसके। तो ये